उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में रिश्वतखोरी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। रिश्वतखोरी पर सीनियर अफसरों की तरफ से लगातार सख्ती के बाद भी पुलिसकर्मी घूस लेने का कोई ना कोई नया रास्ता निकाल ही लेते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से सामने आया है, जहां पुलिस की 3 सिपाही एक शख्स को मोबाइल चोरी के फर्जी मामले में फंसाकर उससे रिश्वत वसूल रहे थे। मामला बाराबंकी में नगर कोतवाली क्षेत्र की बड़ैल चौकी का है, जहां तैनात सुभाष चंद्र, प्रवीण कुमार, जवाहरलाल यादव नाम के 3 सिपाही शशिकांत नाम के एक शख्स से 32,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में धरे गए हैं। शशिकांत PSC बरौली में होम्योपैथी फार्मेसिस्ट के पद पर काम करता है। मामले की सूचना पर बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक VP श्रीवास्तव ने जांच के निर्देशन दिए। SP के निर्देशन पर कार्रवाई करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक दिग्निबर कुशवाहा ने 3 सिपाहियों को रंगे हाथों पकड़ा और सिपाहियों के पास से रिश्वत के 11,000 रुपए भी बरामद कर लिए।